भारत को मिली पहली हाइड्रोजन कार। देश में हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता को लगातार परेशानी हो रही है। ऐसे में आम आदमी अब पेट्रोल डीजल की बजाय दूसरे संसाधनों की तलाश में जुटा है। इस विकल्प के रूप में सीएनजी लोगों के लिए सहारा बनी, लेकिन इसके दाम भी लगातार बढ़ने लगे। ऐसे में अब देश में हाइड्रोजन कार भी लोगों के लिए नए विकल्प के रूप में सामने आई है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद भवन पहुंचे। मिराई का हिंदी में अर्थ है भविष्य। लंबे समय से हाइड्रोजन कार की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वकालत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री जिस कार से संसद पहुंचे उसे टोयोटा कंपनी ने बनाया है और इसका नाम मिराई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भविष्य। इस कार को कंपनी ने 16 मार्च को भारत में लॉन्च किया था। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भारत में ऐसी गाड़ियों के लिए इकोसिस्टम तैयार करने के लिए ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। क्या ये कार भी फैलाएगी प्रदूषण? इस कार की सबसे खास बात यह है कि ये उत्सर्जन के रूप में भी सिर्फ पानी निकालती है, यानी ये पूरी तरह से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ये कार पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। उन्होंने इस कार को भारत का भविष्य बताया। लंबे समय से हाइड्रोजन कार की वकालत कर रहे थे नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में एक नया सर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेश किया है, जो भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित मोबिलिटी को टेस्ट करेगा। इस टेस्ट के लिए टोयोटा मिराई को भारत में उतारा गया। ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जो दुनिया का सबसे एडवांस FCEV माना जाता है। पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन कार। नितिन गडकरी ने टोयोटा मिराई FCEV को पेश किया है और कहा है कि भारत में हाइड्रोजन को रेन्यूअल सोर्स और बायोमास के माध्यम से मिल सकता है। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें पानी के अलावा कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं है। भारत करेगा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को देश में शुरू करने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का मिशन तय किया है। जहां भी कोयला इस्तेमाल हो रहा है वहां ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल की जा सकेगी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात भी करेगा। ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके आधार पर मुझे पता है कि निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मिति भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3,000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की, ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही उसका उद्देश्य है। टैंक फुल होने पर 600 किलोमीटर तक दौड़ेगी कार। टोयोटा मिराई ग्रीन एनर्जी पर चलती है, 600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देती है और इलेक्ट्रिक कार की तरह लंबे चार्जिंग टाइम की दिक्कत से आजाद है। पेट्रोल डीजल कार की तरह ही टोयोटा मिराई को हाइड्रोजन रिफिल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जापान की कार निर्माता कंपनी टोयोटा की योजना हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार का निर्माण बढ़ाता है। क्या है फ्यूल सेल? मेडिसिन सेक्टर में स्टेम सेल की तरह ऑटोमोटिव वर्ल्ड में फ्यूल सेल एक नई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह काम करती है, लेकिन रिवर्स में, सरल शब्दों में कहें तो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करने की जगह इन दो एलिमेंट्स को मिलाकर पानी और बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बिजली का इस्तेमाल कार के मोटर को चलाने के लिए किया जाता है और यहाँ पर वाटर बाय प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल डीजल पर कम होगी निर्भरता। एक्सपर्ट के मुताबिक अभी जो ईंधन इस्तेमाल किया गया है उसका बड़ा हिस्सा कच्चे तेल, कोयले, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है।
हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ने और उसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होने पर मौजूदा ईंधन से हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। फिलहाल अपनी जरूरत के लिए 86% तेल और 54% प्राकृतिक गैस आयात किया जाता है। इसी तरह से सौर ऊर्जा के यंत्र के आयात के जरिए ही आते हैं। भारत में कब हुई हाइड्रोजन पॉलिसी घोषणा? भारत में हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा 17 फरवरी को की गई थी। इसका लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, सौर जैसे स्वच्छ ईंधन से हाइड्रोजन को बनाना है। इस पॉलिसी के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है और भारत को इसके एक्सपोर्ट हब के तौर पर स्थापित करना है। अगर ये लक्ष्य सफल होता है तो ऑटोमोटिव की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस एडवांस कार के जरिए नितिन गडकरी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये कार पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके विपरीत पेट्रोल और डीजल वाली कारें ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। इसलिए अब टोयोटा और इससे जुड़े अपने हजारों पेटेंट्स को दूसरी कार निर्माता कंपनियों के साथ साझा कर रही है। टोयोटा ने इसी साल जापान के अलावा अपनी मिराई कार का निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और डेनमार्क को किया है। ये कार हाइड्रोजन से चलती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।